सबसे अच्छा क्या लगा मूवी में? स्टोरी वगैरह, स्टोरी वगैरह इरफान खान का नाम कैसा? इरफान खान अच्छा। जो मतलब अंग्रेजी मीडियम के पहले हिंदी मीडियम आई थी तो उसके अकॉर्डिंग दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेस्ट है? हिंदी मीडियम ज़्यादा, हिंदी मीडियम ज़्यादा अच्छा है। और ओवरऑल जो सारे कलाकार उनकी जो एक्टिंग की अगर बात करें तो और जो उनकी लड़की बनी राधिका उनका भी मूवी अच्छी थी। इरफान खान देना चाहेंगे? थैंक यू। हिंदी मीडियम के हिसाब से थोड़ा सा कम, हिंदी मीडियम ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, इंटरवल से पहले ज़्यादा इंटरटेनिंग है इंटरवल के बाद? ओवरऑल शुरू में स्टोरी पहले जयपुर की है, फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में लंदन पहुँच जाती है। पंचेस वगैरह अच्छे हैं मूवी में। नहीं, थोड़ी सी स्लो है, हल्की सी स्लो है। फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ? फर्स्ट हाफ में स्लो है, जब कहानी बन रही होगी तब थोड़ा सा, जब जयपुर वाली स्टोरी है उसमें थोड़ा सा। और बाकी जो उसमें एक्टर है दीपक डोगरिया, करीना कपूर और सब बढ़िया ऑल ओवर टीकू शादा की भी अच्छी है। टीकू शादा सपोर्टिंग रोल पे जो मूवी का डायरेक्शन अगर हम बात करें तो कैसा लगा मूवी का डायरेक्शन? कैसी लगी सर मूवी? मैम कैसी लगी मूवी? मैम आपको कैसी लगी? सबसे अच्छा क्या लगा? माँ बाप क्या हो, ये जो रिलेशन दिखाया है पिता का और उसकी लड़की के प्रति जो प्यार था वो सबसे अच्छा है। मतलब वही दिल खुश होता है, वही दिल खुश होता है। ऐसे अंग्रेजी मीडियम के पहले हिंदी मीडियम भी आई थी, दोनों में से अगर कंपैरिजन करें तो इंग्लिश मीडियम सबसे अच्छी है, उससे भी अच्छी है, उससे भी अच्छी है। कितने स्टार देना चाहेंगे? मैम कैसे लगे मूवी? बता देंगे मैम मूवी के बारे में? सर आप कुछ बोलना चाहेंगे मूवी के बारे में? और दूसरा जैसे कि उसकी लड़की बोलती है कि वो लंदन जाती है मतलब पढ़ाई करने के लिए, तो
तो आजकल यही चल रहा है कि ट्रेन के हर बच्चे कहते हैं कि हम बाहर जैसा पढ़ाई करने जाए, काम करने जाए, तो उसके ऊपर कुछ हाँ जैसे मतलब पढ़ाई करने के लिए मतलब लोग सोचते हैं कि मतलब हम वहाँ जाएंगे, मगर वहाँ जाके वो लोग वहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं जो इंडिया के कल्चर के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है। सही तरीके से मतलब ये नहीं कह सकते कि सही है कि गलत है, वहाँ के कल्चर आने के बहुत अच्छे तरीके से बताया, किसी भी कल्चर को डिफेम नहीं किया गया है, बहुत अच्छे सर आप कैसे लगे सर? क्या बढ़िया था फिल्म? तो मोटिवेशन स्टूडेंट्स के लिए और मतलब मतलब जो फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप था काफ़ी अच्छा था, बच्चे समझ नहीं पाते कई बार क्या होते हैं, फादर उनके अच्छे चीज़ काफ़ी अच्छी थी। अच्छा फिल्म में इरफान खान सर काफ़ी समय बाद आए, तो उनके एक्टिंग देखते कैसे लगे? मतलब काफ़ी दिखाया बहुत शानदार। अच्छा इस फिल्म में सबसे अंडर रेटेड एक्टर है दीपक डोगरियाल जी, उनका काम कैसा था? जो उनके इरफान खान के भाई बने मूवी के अंदर, उनका काम कैसा था? सर उनका काफ़ी अच्छा था, सपोर्टिंग होना चाहिए अच्छा। करीना कपूर का क्या रोल था इसमें, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग था? परफेक्ट। वो फिल्म में क्या क्या अच्छा लगा? मोटिवेशन के साथ में इंटरटेनमेंट, मतलब फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा बोल रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। मतलब सॉन्ग्स वगैरह मूवी के फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सॉन्ग कैसा सर? मतलब वो तो सॉन्ग सिचुएशनल थे या फिर जबरदस्ती के लगे? हाँ फिर सॉन्ग कैसे भी मैटर नहीं करता, सॉन्ग वाली मूवी तो थी। हाँ वो तो बस स्टोरी को बताने के लिए आउट ऑफ फाइव कितने स्टार देंगे सर? आई विल गिव फोर।